हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है द इम्परफेक्ट सिंपथीज ऑफ चार्ली इस्लाम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका हम करेंगे इंट्रोडक्शन, और इसके जो मेन टॉपिक्स हमने मेन पॉइंट्स जो हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और आप लोगों का आज की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इस ऐसे में हमारे जो चार्ली इस्लाम हैं उनने क्या क्या बताया है। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें इम्परफेक्ट सिंपथीज का, तो ये क्या है, ये एक ऐसे है, ठीक है, ना कोई पोएम है ना कोई और चीज़, ये है एक ऐसे, ठीक है, जिसको लिखा है चार्ली इस्लाम ने, जो कि एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स को। यानी कि ये जो हमारे पास ऐसे है इसके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को, ठीक है। दी ऐसे वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, और इस ऐसे को फर्स्ट पब्लिश किया गया था लंदन मैगजीन में 1821 में। डेट आपने याद रख लेनी है। एंड इट रिमेन्स अ टाइमलेस पीस ऑफ लिटरेचर दैट रेजोनेट्स विद रीडर्स टूडे। और इसको, ये एक ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर है जिसको हम कह सकते हैं ये हमेशा टाइमलेस रहेगा, यानी कि किसी भी टाइम पर फिट आएगा, और ये आज भी रीडर्स के कानों में वैसे ही गूंजता है, ठीक है। अगर हम देखें इस ऐसे में जो चार्ली लैम्प है उनने किस बारे में बात की है, इन दिस ऐसे लैम्प रिफ्लेक्ट्स हिज ओन एक्सपीरियंस विद इम्परफेक्ट सिंपथीज। तो अपने ही एक्सपीरियंस को इम्परफेक्ट सिंपथीज के साथ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, ठीक है, जिस तरह वो बताते हैं, इन विच ही डिफाइंस, वो बताते हैं एज द इनएबिलिटी टू फुली अंडरस्टैंड और कनेक्ट विद अदर पर्सन फीलिंग्स। एक ऐसी ना काबिलियत जो कि हर इंसान के अंदर होती है, कि जिसकी वजह से हम फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लोगों को, और ना ही उनकी फीलिंग्स को, और ना ही उनसे फुली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उस इनएबिलिटी को वो बता रहे हैं अपने इस ऐसे में। ही ऑल्सो एग्जामिन्स द वेरियस फैक्टर्स डैट कंट्रीब्यूट टू दीज इम्परफेक्ट सिंपथीज, और वो बहुत ज़्यादा वेरियस फैक्टर्स भी बताते हैं जो कि इस सब में कंट्रीब्यूट करते हैं, इस सब में शामिल होते हैं, सच एस कल्चरल डिफरेंस, ठीक है। हमारा अगर कल्चर किसी और तरह का है, और लंदन का कल्चर किसी और तरह का है, तो हम लोग तो नहीं उनको समझ सकेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम, और टाइम भी, लेकिन फिर भी जितना भी टाइम हो जाए समझ नहीं पाते। तो फर्स्ट उनने बोला कल्चरल डिफरेंस, उस पर वो बात करेंगे। सेकंड सोशल स्टेटस, ठीक है, एंड पर्सनल बायसेस, ठीक है। तो ये तीन जो हैं, क्या कह लें, मेजर उन्हें पॉइंट्स बताए जो कि इन सब में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को समझ नहीं पाते। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी डिस्कस करते हैं। वन ऑफ सेंट्रल थीम ऑफ इम्परफेक्ट सिंपथीज, इसकी सेंट्रल थीम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाई जाती हैं, इसी की वजह से हम लोगों को नहीं समझ सकते। लैब आर्ग्यूज दैट इमोशंस आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इस बात पर वो कहते हैं कि जो इमोशंस होते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, ठीक है, और ईजी टू अंडरस्टैंड, और आसान भी नहीं होते समझने के लिए, ठीक है। एंड दैट इवन द मोस्ट एम्पैथेटिक पीपल मे स्ट्रगल टू फुली कॉम्प्रीहेंड अनदर पर्सन फीलिंग। और यहाँ पर कह रहे हैं कोई बहुत ही एम्पैथेटिक अगर लोग हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को समझ सकें, उनकी फीलिंग्स को, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कम लोग होते हैं, इसको समझना आसान नहीं है। हमें बाज़ औक़ात ये लगता है कि हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सिबलिंग्स हो गए, हम समझते हैं कि हाँ हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम ये समझते हैं कि हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम कहते हैं ये क्या हो गया, मतलब इसको बहुत अच्छे से जानते थे, ये तो ऐसा कह ही नहीं सकते, ये कैसे हो गया। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये हम ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, हम जो समझ रहते हैं वो रियल नहीं होता, सही है। नेक्स्ट चलें तो लैम्प यूजेस सेवरल एग्जांपल्स इलस्ट्रेट दिस पॉइंट, और उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स यूज़ की अपने एसे में, ताकि इस पॉइंट को वो क्या करें, बना सकें, इलस्ट्रेट कर सकें।
ये पॉइंट कौन सा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन. सबसे पहले वो इसी पर बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ मैन हु इज अनएबल टू कंसोल हिज ग्रीविंग फ्रेंड बिकॉज ही हैज नेवर एक्सपीरियंस द सेम लेवल ऑफ लॉस. और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी स्टोरी बताई जिसमें एक इंसान है वो अपने दोस्त के गम में मतलब उसको मतलब कंसोल करना चाह रहा है, उसकी मदद करना चाह रहा है, ठीक है, मतलब ये चाह रहा है कि वो अपना गम भूल जाए, लेकिन वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने कभी ऐसा कोई सेम लेवल ऑफ लॉस कभी उसने एक्सपीरियंस किया ही नहीं, तो कैसे उसको वो मतलब दिलासा देगा. ठीक है, थ्रू दीज एग्जाम्पल्स लैम सजेस्ट दैट इम्परफेक्ट सिंपथीज आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. और यहाँ पर वो कह रहे हैं इम्परफेक्ट सिंपथीज ये क्या है, ये नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है. ठीक है, ये आपने लाइन याद करनी है, मतलब याद रखनी है, ये क्या है, ये नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है एंड दैट वी शुड स्ट्राइव टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंट विद वन अनदर. और जिसकी वजह से हमें स्ट्राइव और पेशेंट रहना चाहिए एक दूसरे के साथ. ठीक है, हमें हद से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए मतलब कि हाइपर हो जाए या वैसे हो जाए, क्योंकि हम अगले इंसान के इमोशंस नहीं जानते. नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास कल्चरल डिफरेंसेस. हाँ, ये वाला पॉइंट सबसे पहले आया था. कल्चरल डिफरेंस को अगर हम देखें तो कल्चर एक बहुत मेजर रोल अदा करता है. तो इसको अगर हम देखें, अनदर फैक्टर डैट कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्परफेक्ट सिंपथीज इज कल्चरल डिफरेंसेस. लैम नोट्स दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स मे हैव डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रोसेसिंग इमोशंस. ऐसा ही है कि जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं वो डिफरेंट तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, डिफरेंट तरह से उनके प्रोसेस करते हैं. और हमारा जो मतलब हमारा अलग स्टाइल होता है, उनका अलग स्टाइल होता है, जिसकी वजह से हमें लग रहा होता है कि शायद ये गुस्से में है, लेकिन वो उनका स्टाइल होता है. ठीक है, वो उनका डिफरेंट वे होता है उनके कल्चर के मुताबिक, विच कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिस कम्युनिकेशंस. वही बात, हमें जो लग रहा होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और मिस कम्युनिकेशंस भी उसी में आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें, लैम ऑल्सो एक्नोलेजेस दैट कल्चरल बायसेस कैन प्ले अ रोल इन इम्परफेक्ट सिंपथीज. ये जो कल्चरल बायसेस है ये क्या है, ये बहुत ही प्ले अ रोल इन इम्परफेक्ट सिंपथीज में, ये एक बहुत बड़ा रोल अपना अदा करता है. एज पीपल ने अनकॉन्शियसली होल्ड स्टीरियोटाइप्स एंड और प्रीजुडिस दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम फुली कनेक्टिंग विद समवन फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. जिसकी वजह से वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसकी वजह से हम नहीं समझ पाते किसी दूसरे इंसान को जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है. ठीक है, हाउएवर इसके अलावा सम argues that by recognizing and challenging these biases we can work towards building more empathetic and inclusive communities. और यहाँ पर वो कह रहे हैं हम अगर हम इस सारी चीज़ों को समझ लें, इनको चैलेंज करें, इन बायसेस को, तो ये हमारे मतलब हेल्प कर सकती है कि हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें. ठीक है, और हम मतलब अपने आप को उस लिहाज से बिल्ड कर सकें. नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास सोशल स्टेटस आता है. थोड़ी सी वीडियो रह गई है, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. और सोशल स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल स्टेटस भी बहुत वो होता है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिच है उसका हर चीज़ अलग होगी. ठीक है, वो अगर उसके लिए कोई ये बोले ना कि मुझे 10,000 का सूट पसंद आया, वो कहता अच्छा. और अगर हमारे जो गरीब मिडिल क्लास अगर लोग हों, उनको कोई कहे कि मुझे 10,000 का सूट पसंद आया, मैंने वो लेना है, तो कहे कि 10,000 इट्स अ लॉट ऑफ वर्थ. तो यहाँ पर सोशल स्टेटस भी बहुत मैटर करता है. इन एडिशन टू कल्चर डिफरेंस ये भी काफ़ी बड़ा मतलब क्रिएट बैरियर करता है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में, एम्पैथी में. लैम्ब नोट्स दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस में हैव वेस्टली डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ पर जो डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, डिफरेंट परस्पेक्टिव्स होते हैं हर चीज़ को लेकर. जैसे वो कपड़ों को लेकर 10,000 वाला एक्सपीरियंस में ले लें तो जो है जो अमीर लोग होते हैं उन लोगों ने कभी इंसल्ट अपनी नहीं बर्दाश्त की होती, लेकिन गरीब लोगों ने तो
बहुत ज्यादा की होती है, तो ये भी मतलब एक्सपीरियंसेस में आ जाता है, विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू रिलेट इट टू वन अनदर, जो कि डिफिकल्टी पैदा करता है एक दूसरे से रिलेट करने में. लैब ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट सोशली नॉर्म्स सॉरी सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस कैन री इन्फोर्स दिस इन दिस डिविजन्स, मेकिंग इट हार्डर फॉर पीपल टू ट्राइड टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. और ये बहुत ज़्यादा गैप बना देता है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों क्लासेस के दरमियान, मतलब ये इसका लेवल यहाँ पर होता है और इसका लेवल यहाँ पर होता है, तो ये जो गैप है ना दरमियान में, इसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो लोग उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और पता नहीं क्या क्या. हाउएवर लैम बिलीव्स दैट बाय रिकॉग्नाइजिंग आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी एंड स्ट्राइविंग टू सी बियॉन्ड सोशल हायरार्कीज, we can overcome these barriers and build more compassionate societies. और यहाँ पर जो हमारे लैम है, ठीक है, उनने क्या किया, उनने अपने मतलब अपनी पूरी ऐसे में इन्हीं चीज़ों पर बात की है और उनका डिफ़िकल्टी बताई है, फिर उसके बाद उनका थोड़ा सा हल बताया, जैसे कि ये थोड़ा सा उन्होंने बताया कि अगर हम अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी पर उसको लेकर चलें तो फिर उसके बाद तो हम एक बहुत ही कंपैशनेट सोसाइटीज बिल्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पर है पर्सनल बायसेस. अब हर इंसान की अपनी भी कुछ बायसेस होती हैं, अपनी भी कुछ मतलब थिंकिंग होती है, ठीक है, उसको लेकर अगर वो चलें, अपनी उसकी जजमेंट होती है जो वो दूसरों को देख कर जज करता है, तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्टी पैदा करती है. पर्सनल बायसनेस के बारे में अगर हम चलें, विच कैन प्रिवेंट दैम फ्रॉम फुली कनेक्टिंग विद अदर्स, वो क्योंकि खुल के बात ही नहीं करते, वो अपने शेयर अपने थॉट्स अपने एक्सपीरियंस किसी से शेयर नहीं करना चाहते, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा करती है. हाउ एवर लैम्ब आर्ग्यूज दैट बाई एक्नोलेजिंग एंड कन्फर्टिंग दिस बायसेस, अगर हम इनको समझें और इनको अगर अपना दूर करें अपने आप से, तो वी कैन बिकम मोर ओपन माइंडेड, हम ज़्यादा ओपन माइंडेड हो सकते हैं. ठीक है, और ओपन माइंडेड होना बुरी चीज़ नहीं है. तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आएगा. ही ऑल्सो एम्फसाइज दी इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिवली सीकिंग out diverse perspectives and experiences in order to broaden our understanding of the world. हाँ, हमें सिर्फ अपने आप से ही अपने ही thinking में नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरों की knowledge भी लेनी चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा वो क्या कह लें, हमारे पास और ज़्यादा experience आए, ठीक है, हम अपने world के बारे में जान सकें, उसको understand कर सकें जो कि हमारे इर्द गिर्द है. और लास्ट पर हमारे पास एक ही पॉइंट बचा है जो कि है कंक्लूजन. कंक्लूजन में अगर हम देखें तो हमारे पास इम्परफेक्ट सिंपथीज में क्या है, ये क्या है, एक थॉट है, थॉट प्रोवोकिंग एसे दैट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इमोशंस सॉरी इमोशंस इन रिलेशनशिप्स. दो हिज रिफ्लेक्शन ऑन इम्परफेक्ट सिंपथीज लैम्ब रिकॉग्नाइज Lamb encourages readers to be more patient. वो यहाँ पर encourage कर रहे रीडर को कि patient रहो, ठीक है, और ज़्यादा understand करने की कोशिश करो बजाय इसके कि चीज़ों से अंदाज़ा लगा लो. और last पर empathetic toward another one another, हर किसी के साथ empathetic रहो, ठीक है, and despite the many barriers that can prevent us from fully connecting, और बजाय इसके कि इन barriers को ही अपने वो क्या कर लो, सर पर सवार कर लो और इन पे ही चलो कि यार इनका कल्चर डिफरेंस है, हम नहीं समझ सकते, समझ कर भी नहीं होगा, लेकिन नहीं, कोशिश करोगे तो सब कुछ हो सकता है. By recognizing the role of cultural difference, social status and personal biases in shaping our perceptions of others, Lamb suggests that we can work towards more building more compassionate and inclusive communities. और इन सबको अगर हम एक साइड पर रख दें तो हम बहुत ज़्यादा कंपैशनेट और इनक्लूसिव कम्युनिटीज़ बना सकते हैं, जहाँ पर हर कोई वैल्यूड होगा, हर किसी की वैल्यू होगी, हर कोई समझा जा सकेगा. सो होप सो आप लोगों को वीडियो भी समझ आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप लोगों को इसमें समझ आ गया होगा कि इम्परफेक्ट सिंपथीज़ में चार्लीज लैम ने क्या कुछ बताया है, क्या कुछ डिस्कस किया है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं.